भारत का संविधान अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359(1) जहां आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और उस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्रवाइयां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए निलंबित रहेंगी। एक का जब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के को छोड़कर भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों का को उल्लेखित करने वाला खंड 1 के अधीन किया गया आदेश परिवर्तन में है तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात इस भाग में यथा परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता निर्बंधित नहीं करेगी किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के परिवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय परंतु प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग में परिवर्तन में है वहां यदि और जहां तक भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में या उसके संबंध में जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में नहीं है इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्रवाई की जा सकेगी। एक खा खंड एक का की कोई बात का किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय परिवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है या ख किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसे उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है। दो, पूर्वोक्त रूप में किए गए आदेश का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ही हो पर भी हो सकेगा पर हो सकेगा परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के केवल किसी भाग में परिवर्तन में है वहां किसी ऐसे आदेश का विस्तार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा जब राष्ट्रपति वहां यह समाधान हो जाने पर कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है ऐसा विस्तार आवश्यक समझता है। तीन खंड एक के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र
संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुच्छेद 359 का इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना संविधान 63वां संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 3 द्वारा 6/1/1990 से निरसित वित्तीय आपात के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो यह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा। दो खंड एक के अधीन की गई उद्घोषणा का किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तन की जा सकेगी। ख संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। ग दो मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन उपखंड ग के में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। तीन, इस अवधि के दौरान जिसमें खंड एक में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन कराने के लिए निर्देश देने तक जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। चार, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी क ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत एक किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध। दो, धन विधेयक या अन्य ऐसे विधेयकों को जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे। ख, राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा।